यूपी में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकान और ठेले वालों के नाम लिखने के आदेश के बीच काशी से आई एक तस्वीर ने सबको चौंका दिया है। सावन के पहले सोमवार को बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं पर मुस्लिम बंधुओं ने पुष्प वर्षा की है। गोदौलिया से ज्ञानवापी मार्ग पर लाइन में खड़े हजारों श्रद्धालुओं का मुस्लिम समाज ने गुलाब की पंखुड़ियों से स्वागत किया। मोहम्मद आसिफ ने बताया कि काशी अपने गंगाजमुनी तहजीब के लिए जानी जाती है। सावन के महीने में काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर हम धार्मिक एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं। सावन के महीने में काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पूरे देश से श्रद्धालु और कांवड़िए आते हैं। मुस्लिम समाज द्वारा किया गया यह स्वागत धार्मिक एकता का संदेश देता है, ताकि समाज में जाति और धर्म का भेदभाव खत्म हो सके। पिछले कई सालों से सावन के सोमवार को काशी में इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। देखिए परंपरा नहीं बात, ये आज सावन का पहला सोमवार है। अब पूरे हिंदुस्तान से कांवड़िए बनारस में आए हैं। एक गंगा जमनी तहजीब है। हम इनके जो इस तरह ये तिरंगा मेरे हाथों में, 140 करोड़ का देश है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब यहाँ मिलकर रहते हैं, और ये जब बाहर से आए हुए इनका फूलों की वर्षा करेंगे, पानी पिलाएंगे, अपने गांव में जाकर संदेश देंगे कि बनारस में गंगा जमने की तहजीब देखा, वहाँ के मुस्लिम समुदाय ने मेरे ऊपर फूल फेंका, एक संदेश दे रहे हैं कि मिलजुल कर हिंदुस्तान में सबको रहना है और यही रहना है और ताना बाना भी उन्हीं के साथ जुड़ा रहना है। देखिए मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सेवा भाव से आया हूँ। अपने भाइयों का, ये हमारे भाई हैं, हिंदुस्तानी हैं, मैं इनका स्वागत कर रहा हूँ फूलों से और पानी पिला रहा, यहाँ कोई राजनीति नहीं है। काशी के संतों और हिंदुवादी संगठनों ने यूपी सरकार के नेमप्लेट विवाद पर योगी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती और विश्व हिंदू सेना के चीफ अरुण पाठक ने इस फैसले का समर्थन करते हुए विपक्ष को नसीहत भी दी है। हिंदुवादी संगठन इस फैसले के प्रति जागरूकता अभियान चला रहे हैं और दुकानदारों से दुकान के बाहर नाम लिखने की अपील कर रहे हैं। काशी से आई इस तस्वीर ने साबित कर दिया है कि धर्म और जाति के भेदभाव के बावजूद मानवता और आपसी सद्भावना सबसे ऊपर है। लोकल 18 के लिए वाराणसी से अभिषेक जायसवाल की रिपोर्ट।